इधर आ जा बेटे, यहाँ खड़े हो जा, इधर खड़े हो जा। हाँ कैसे खोले रे भाई? इधर सारी कार्रवाई अपन करेंगे। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये छोटी उम्र का लड़का है और बाइक चुराता है और बड़े अच्छे तरीके से बाइक चुराता है और बाइक चोर ये आज पानीपत में पकड़ा गया। पानीपत के SD कॉलेज से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये हथियार जो है, इस हथियार से तोला ये ताला तोड़ते हैं। एक बार दिखाना कैसे तोड़ते हैं, ये देखिए, एक झटके में ये देखिए लोग तोड़ देते हैं और बड़े आसानी से गाड़ी को चुरा कर ये ले जाते हैं। ये कहाँ से बनवाया भाई हथियार? ये सर घर बना लेते हैं, घर बन जाता है, घर बन जाता है, घर बन जाता है ये सर। क्या नाम क्या है तेरा? बलजीत। कहाँ रहता है? भरतपुर से। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ नहीं रहता सर, वहीं रहता। तो ये गाड़ियाँ चोरी करके कहाँ ले जाता है सर? अपन घर ले जाते हैं। कहाँ? वहाँ भरतपुर। अभी तक कितनी गाड़ियाँ चोरी करी है सर? तीन। तीन सर। तेज बोल बेटे। तीन। सुन नहीं रहा बेटे, पानीपत देख रहा तेरे को, इतना बड़ी आदमी है तुम सर। तीन। तीन कहाँ कहाँ से? तेज बोल बेटे। वहाँ गुड़गांव अस्पताल रोड के ऊपर। हाँ से बस। और पानीपत से कितनी करी है सर? ये पहली थी सर। पहले बोनी करी थी, आज बोनी में पकड़ा गया सर। कहाँ से पकड़ी थी, चोरी करी थी ये सर? यहीं से। कितने बजे? अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। ये इसकी ID चेक करी सर? सर अभी तो इसको थाने में ले जाके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और 2005 अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है और ये 19 साल के करीब इसकी उम्र है। अच्छा, नाबालिग चोर है ये? नहीं, बालिग हो गया। हाँ हाँ, नाबालिग नहीं है, बालिग है। हाँ जी। ये कहाँ से कलाकारी सीखी भाई तुमने? सर वो एक लड़का और था साथ में। कितना गिरोह है तुम्हारा? कैसे गिरोह है तुम्हारा पूरा? कितने बंदे हो तुम? दो ही सर। दो ही। वो कितने चुराए तुमने? उसने सर मेरे साथ तीन ही चुराई है सर। पहले तीन उसने चुराई, तीन तूने चुराई? नहीं, तीन एक साथ में, दो एक दोनों जने। कब से चोरी करनी शुरू करी? परसों परले दिन से। परसों परले दिन से? परसों परले दिन से करी। तीन कट्ठी चोरी कर ली? नहीं नहीं, एक परसों करी, एक कल, एक आज। तीन होगी ना, मतलब रोज एक गाड़ी? हाँ सर। तो कहाँ लेके जाते इस गाड़ियों को? सर वहाँ अपने वहाँ भेज देते हैं। कितने में बेचते थे सर? ये 10-12 हज़ार में बिक जाती है। 10-12 हज़ार में। तो ये गाड़ियाँ चुरा के फिर वहाँ वहीं पे बेचते थे भरतपुर में तुम? हाँ। तो वापस कैसे आते थे? वापस सर बस पे आ जाते हैं। आपको लगता है ये सच बोल रहा है? हाँ, 99% सच ही बोल रहा है। आपको कैसे सूचना मिली? हम गश्त करते आ रहे थे और यहाँ लोगों ने इसको पकड़ा था। हम इधर गश्त पे आ रहे थे और लोगों ने इसको पकड़ा था, यहाँ बाइक लेके भाग रहा था ये। हाँ, ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी। आपका नाम और कहाँ से गाड़ी चोरी है? सर मेरा नाम संदीप है, आदित्य बिरला में मैनेजर हूँ मैं। और जैसे हम ऊपर खड़े थे तो मेरा स्टाफ नीचे आ रहा था, तो उसने देखा कि एक बंदा आपकी बाइक उठा के भाग रहा है। वो उसने फटाफट फ़ोन किया कि बंदा बाइक लेके गया जी, तो हमने पीछा फटाफट पीछा किया इसका, दो तीन बंदों ने, और तो ये यहीं पर पकड़ा गया। पहले तो बस के नीचे आ गया होता ये, मर जाता, क्योंकि ये बाइक एकदम से चलती नहीं, सबसे एकदम से बस के नीचे आ गया, तब मरता साला। फिर यहाँ ही पकड़ा गया, फिर ये बाइक छोड़ के भाग लिया इस गली में। फिर मैंने चोर चोर की आवाज़ दी तो लोगों ने इसे पकड़ लिया। फिर इसने सुआ घोपने की कोशिश की मेरे को और छीना। आप, आप, आपको? हाँ हाँ, मेरे को ये देखो, खून के खून भी लगा हुआ है मेरे को यहाँ, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो छीना झपटी में इसी को लग गया, फिर ये यहाँ पकड़ लिया हमने। फिर हमने पुलिस को कॉल किया। तो ये देख सकते हैं लाइव चोर कैसे चोरी करते हैं। आपको एक बार फिर से दिखाएं इसका स्टाइल, या चोरी करने का एक बार फिर से दिखाना। ये कलाकारी आपने सीखी कहाँ ही वाली? तेज बोल बेटे। तेज बोल, क्या शर्मा क्यों? तेज बोल बेटे। सर्वे से ही हो जाता है, ऐसे बस ऐसे लगा के ऑन हो जाती है। सारी गाड़ियाँ खुल जाती हैं इससे? हाँ टोटली। हाँ तो ये किसी ने बताया तो होगा ना, ये चोरी करनी कहाँ से सीखी? वो सर एक और लड़का साथ का था, इकट्ठे चोरी करते थे दो जने। अभी तक तीन गाड़ियों में कितने पैसे मिले तुम्हारे को? दो गाड़ियों में सर 10-20 हज़ार रुपए। 20 हज़ार का क्या किया सर? कुछ नहीं सर, किसी का है? कुछ नहीं सर। कहाँ गए 20 हज़ार रुपए? सर किसी कर्जा वर्जा देना था, उसको दे दिया। कर्जे के लिए चोरी करते हो? हाँ सर। ये इतनी भारी गाड़ी कैसे उठा के भाग रहे थे?
सर वैसे जैसे चलाते हैं वैसे हो गए सर, ऐसे सर चला के ले जा रहा था। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे को? सर इन ने मारा है यहाँ का। तो ये तेरे को प्यार करेंगे जिसकी गाड़ी लेके जाएगा? अच्छा किया ठीक किया गलत किया? इनकी सही तो सही है, आपकी तरफ से तो सही है सर। ये तू कह रहे इन्होंने मारा, तूने भी तो मारा इनको। ये गलत कह रहे हैं, इसको किसी ने मारा था? आप बताओ जी थोड़ा। ये क्या हुआ जी, जब हमारी रोड पे ये भागता हुआ आ रहा था तो पीछे से कोटक महिंद्रा वाले आवाजें मार चीख चीख के आ रहे थे, चोर चोर चोर। तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी तो उस समय ये हमसे छुड़वा के भागा। आगे से गाड़ी आ रही थी, इसकी स्पीड भागने की इतनी थी क्योंकि ये नशा करके, मेरे हिसाब से तो नशा करके उस समय भाग रहा था कि जैसे एक ट्रेन भगा के लेके जा रहा हो। ये उस गाड़ी से टकराया तो नीचे गिरा, इसके पास हथियार था। मेरे साथ उस समय ये आए, इनके सारे सात आठ बंदे आए, इसको जैसे ही पकड़ा इसने ऐसे वो हाथ घुमा के हथियार मारा। और जो आप हथियार देख रहे हो कितना बड़ा है, किसी को भी लग जाए तो उसके पेट में घुसने में एक मिनट ना लगे। ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है और ये मेरे हिसाब से ये अकेला नहीं है, ये इनका एक प्रॉपर गिरोह है। तीन ये अपने मुँह से भी बैठे बैठे इसने, जैसे मैंने पुलिस वाले का सिंघम सर को फ़ोन किया था, इनके आते ही इसने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास हमने तीन मोटरसाइकिल चुराई है। जो इनके आते ही एक्सेप्ट कर रहा है तीन चुराई है तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर गिरोह है और इसने कई मोटरसाइकिलें हमारे साथ चोरी कर रखी होगी। तो एक बार फिर से दिखा दें, शायद इस चीज़ को तो CI वाले भी देख के चौकन्ने रह जाएं, भी हैरान रह जाएं भी ये मतलब ऐसी चीज़ क्या बना रखी है। हम तो आज तक वो मास्टर की समझते थे, एक मास्टर की होती है ये, तो गजब का हथियार बना रखा है, छोटी सी उम्र में गजब का हथियार बना दिया। इसको प्यार से पूछा ना, इसने सारा बता दिया, हाँ भाई तीन बाइक के चोर, अच्छे वाला चोर है ये, अब पता चलेगा इसको लेके जाएंगे अभी और इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कौन कौन था। और भाई कुछ कहना चाहेगा दो शब्द मुंह से अपने? अच्छा लग रहा है? नहीं सर बेटे थोड़ा तेज नहीं बोल। सर तेज बोल ले, क्या दिक्कत है? नहीं सर नहीं। बताओ क्या कह रहे थे? मैं आपके माध्यम से ना सरकार को एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में इतनी चोरियां होने के बाद एक ही टीम ऐसी है जो आज पानीपत में सिंघम सर के नाम से पहचानी जाती है, जो दो मिनट में कार्रवाई करने के लिए हमारे साथ खड़ी हो जाती है। सरकार प्रशासन पानीपत के अंदर सो रहा है और मेरी आपके माध्यम से हमारे जितने नेता है उनसे अपील है कि ऐसे युवा और जागरूक अधिकारियों को आगे लाए जिससे इन चीज़ों का सुधार हो सके। नहीं तो पूरे शहर का आप मेरे से बहुत भली भांति जानते हैं, पत्रकार है आप, सारा दिन आप समाज की सेवा करते हैं, क्या हाल है। इसलिए आपके माध्यम से मैं शहर के जितने पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी और हमारे MLA MP साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कुछ ऐसे पुलिस वालों की ओर भर्ती की जाए जो कुछ सुधार करने की सोच रखे। ले जाइए जब इसको जी, आप थाने में ले जा रहे हैं? हाँ, थाने। तो ये तस्वीरें आप HD कॉलेज रोड से देख रहे थे, एक चोर पकड़ा है, छोटी सी उम्र का है और एक हथियार गजब का उसने बनाया है। आमतौर पर पुलिस भी गच्चा खा जाती है कि मास्टर की से जो है चोरियां की जाती है, लेकिन एक हथियार से चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसी हथियार से वार करता है। तो तस्वीरें HD कॉलेज रोड से, ये मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा था और रास्ते में पकड़ा गया और फिलहाल पुलिस के कब्जे में है और अब सारी जो इंक्वायरी है वो की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।